हेलो दोस्तों, ये गाड़ी है स्कॉर्पियो S3 है, जो कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है। देखिए, हम स्टार्ट करके देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, हो सकता है हो जाएगा अभी, क्योंकि तुरंत आया गाड़ी। लंबा राउंड लेने के बाद स्टार्ट होता है, और एक आध दो घंटा जब बंद रहेगा ना गाड़ी, तो ये स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट ये मतलब दो चार बार सेल्फ मारने के बाद ही स्टार्ट होते हैं। तो इसका हम सबसे पहले फ्यूल लेवल चेक करते हैं। इसको हम देखें, इसको फ्यूल गेज है मेरे पास। खाली बायरिंग टूटा है। चाबी ऑन करो तो देखिए, जो है ना इसमें तेल का जो प्रेशर कम आ रहा है, इसको कम से कम आना चाहिए 500-600 बार तक आनी चाहिए था, तो लेकिन ये आ रहा है 300 बार, 350 बार तक आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको हम टंकी खोलते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि टंकी में मोटा मोटा वगैरह जाम होगा। देखिए, आखिरी में टंकी हमने खोले लिए हैं, टंकी खोल लिए हैं, उसके बाद देखिए अब मोटर खोल रहे हैं। मोटर खोल कर उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, हो सकता है जाली जाम होगा ज़्यादा हमको लग रहा है भाई। देख लेते हैं, अब जब इतना कर ही लिया तब उतना उसमें क्या है, जाली भी खुल जाएगा। निकाल लिए हैं, इसको देखते हैं क्या है। देखिए, हमने इसको खोल, इसको भी खोल लिया है, और इसको देखिए जाली इतना जाम है, देखिए बहुत जाम है, जाली भी, जाली बहुत ज़्यादा जाम है। और सबसे मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है वो भी देख लिए हमने। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ इसमें है, इसका ये अक्सर सभी गाड़ी में ऐसा ही होता है, और ये फटने के बाद अक्सर इसका जो है प्रेशर डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होने के कारण गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, इसको हमने लगा दिए हैं, दूसरे गाड़ी का था, उसका टंकी ख़राब हुआ था, मोटर पूरे ख़राब चेंज हुआ था, तो उसका वो सही था, तो हम दूसरा गाड़ी का लगा दिए हैं। देखिए, सेट कर रहे हैं, सेट में लगता है ये है, ढक्कन लगा रहे हैं, ढक्कन लग रहे हैं इसको, फिर टंकी लगा दी है हमने, मोटर भी फिट कर दिए हैं, अब इसका प्रेशर चेक करते हैं। देखिए, हमने फिट कर दिए हैं, ये हमारी टेस्टर मशीन हो गया चेक करने वाला, ये है, ये देखिए हमने जुगाड़ लगा के यहाँ से इसमें हमने इस पाइप में हमने फिट कर दिए हैं, फिट कर दिए जुगाड़ लगा के, देखिए किस तरह से जुगाड़ लगाए हैं। और इस मशीन पर देखिए, अब चाबी ऑन करते हैं, देखते अब कितना प्रेशर आ रहा है। देखिए, सभी ऑन करो, देखिए 450 बार के लगभग आ रहे हैं, और पहले कितना, और चाबी काटो तो चाबी ऑन करो, ये देखिए इतना एकाएक यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 450 बार के नज़दीक चले जाते हैं, और उसमें जो था वो धीरे 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 उतना के करीब जाता था। तो देखिए, अब तो ठीक है, तो मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट करो तो रुक जा, अभी नहीं स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, अभी इसमें पाइप इसमें लगाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट मारो, हाँ देखिए, एक ही बार में हो गया स्टार्ट, अभी स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम था, मोटर में ही प्रॉब्लम था, बंद करो। देखो, एक बार बार में स्टार्ट हो गया, इसमें प्रॉब्लम था, मोटर में ही था, उसका जो है ना फट गया था, उसमें इसका प्रेशर डिफ्यूज हो जाता था, इसी कारण डिफ्यूज होने के कारण यहाँ पे प्रेशर नहीं मिल पाता था, प्रेशर नहीं मिलने के कारण वे गाड़ी स्टार्ट जल्दी हो नहीं पाता था, और ज़्यादा सेल्फ मारने के बाद थोड़ी जो है ना यहाँ पे हाई प्रेशर पम्प में
तेल गर्म होता था, उसके बाद फिर स्टार्ट होता था। अब स्टार्ट हो जाने के बाद फिर तो कैसे रहे ठीक चलता था, उसके बाद फिर स्टार्ट होता था बार बार। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।